स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ट्यूटोरियल है गूगल डिस्प्ले एड्स के ऊपर। गूगल डिस्प्ले एड क्या होता है, गूगल डिस्प्ले एड कैसे फंक्शन होता है, व्हाई गूगल डिस्प्ले एड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके इफेक्ट क्या है, कन्वर्जन क्या है, और बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो किन किन टाइप के डिस्प्ले एड्स होते हैं वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे। दिस इज अ फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन गूगल एड्स। गूगल एड्स के तीन प्रकार होते हैं, वो तीनों प्रकार हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हर प्रकार के, हर कैंपेन के ऊपर हम एक अपना वीडियो बनाएंगे और सीखेंगे कि उस पर्टिकुलर कैंपेन में किस तरह से डिस्प्ले गूगल एड्स बनाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला हम गूगल डिस्प्ले एड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई प्रकार के गूगल के डिस्प्ले एड होता है जो कि गूगल में डिस्प्ले, गूगल पे गूगल एड्स होता है, गूगल के खुद साइट्स पे डिस्प्ले एड होता है, गूगल के पार्टनर साइट्स, मतलब वो साइट जिन लोगों ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके गूगल एडसेंस लिया है, उनके वेबसाइट पे जो बैनर्स दिखते हैं वो है गूगल एड्स। गूगल के खुद के चैनल्स लाइक जीमेल पे हमें गूगल एड दिखता है, हमें यूट्यूब पे, यूट्यूब के अंदर भी गूगल एड्स, यूट्यूब के खुद के यूट्यूब एड्स, वीडियो एड्स होते हैं, लेकिन गूगल डिस्प्ले एड भी यूट्यूब के वीडियो पे दिखता है। तो ये कैसे कैसे दिखते हैं और क्या क्या होते हैं वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो डिस्प्ले एड समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उस साइट पे। देखिए, मैं gnews.india.com के वेबसाइट पे हूँ। ये gnews का साइट है और यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट पे जैसे ही हम लैंड होते हैं, यहाँ पे देखिए एडी एड करके दिखा रहा है। दिस इज अ बैनर, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ गूगल डिस्प्ले एड। यहाँ पे देखिए एड बाय गूगल। तो ये होता है डिस्प्ले एड। अलग जिस जिस वेबसाइट ने गूगल एड सेंस लिया है, उन वेबसाइट पे गूगल क्या करता है, गूगल इस तरह के बैनर एड्स डिस्प्ले करता है जो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये बैनर एड यहाँ पे कुछ और थे, जस्ट थोड़ी देर पहले चेंज हुए हैं। तो दिस इज ए गूगल एड्स। तो और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे भी गूगल का मार्क होगा और प्लस ये लिखा होगा दैट एडी, तो दैट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गूगल एड। तो यहाँ पे आई थिंक ये भी है। तो ये देखिए, दिस इज अ गूगल एड। ये जो policybazaar.com है, दिस इज अ गूगल एड। कुछ एड उन्होंने खुद डाले हैं और कुछ जो है वो गूगल एड्स। एंड ऑफ दी हम वेबसाइट चलते हैं, वहां पे भी आपको काफी गूगल एड यहाँ पे दिखेंगे। तो गूगल क्या करता है, गूगल एडसेंस, जो लोगों ने गूगल एडसेंस, आपने मेरे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में आप देखेंगे गूगल एडसेंस हम कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर है और आपके वेबसाइट पे आप अच्छे वेबसाइट है, समझे आपका वेरी यूनिक वेबसाइट है जिसपे डेली थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स आते हैं, तो आप गूगल एडसेंस लेते हैं, गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। द विजिटर हु आर विजिटिंग योर वेबसाइट, इफ दे क्लिक ऑन द एड, दे विल गेट, यू विल गेट अ प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द गूगल। तो गूगल क्या करता है कि उसको जो भी गूगल मार्केटर, जो लोग गूगल एड्स बनाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एड्स में, उनसे जो भी प्रॉफिट होता है उसका वो एक 60% 50% वो गूगल एडसेंस जो वेबसाइट यूजर होता है उनको देता है। तो यहाँ पे मैं आज तक न्यूज ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे और आप भी जानते हो कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे डिस्प्ले एड हमें दिखता है। तो ये है वेबसाइट पार्टनर, गूगल पार्टनर डिस्प्ले एड, मतलब जिन लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे एक एड आ गया है, दिस इज द गूगल द्वारा विज्ञापन, यहाँ पे एक एड आ गया है। तो ये है गूगल डिस्प्ले एड ऑन वेबसाइट, बट ये उन्हीं वेबसाइट पे दिखेगा जिन लोगों ने गूगल एडसेंस लिया होगा। अभी ये गूगल डिस्प्ले एड
YouTube पे डिस्प्ले ऐड किस तरह से शो होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियो ओपन किया है और जस्ट मैं व्यू कर रहा हूँ। राइट साइड में ये देखिए YouTube में ये जो प्ले स्टोर है, यहाँ पे YouTube का जो प्ले स्टेशन है वहाँ पे, यहाँ पे एक बैनर दिखा रहा है Vix.com का। दिस इज अ गूगल डिस्प्ले एड। तो जहाँ पे भी हमें बैनर्स दिखते हैं, जिस प्रकार के बैनर्स, That all are example of display ad. Then what is the difference between search ad and display ad? जब हम कोई चीज Google पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ मैंने Google पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और जहाँ यहाँ पे जो एड्स आते हैं दे आर दी, यहाँ पे मैंने पुणे डाला है, मैं पुणे निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐड इस समय शाम के 6 बज रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐड है, दिस इज अ सर्च ऐड। ये सर्च ऐड हमें समटाइम हमें अलग अलग ये एड्स हमें कभी कभी अलग अलग वेबसाइट पे भी दिखते हैं, इसी तरह से दिखेंगे, ये कोई बैनर ऐड नहीं होते। तो दिस आर द सर्च ऐड। तो ये सर्च ऐड अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है यूट्यूब के अंदर फेसबुक मार्केटिंग और यहाँ पे भी ये एड्स आ रहे हैं। तो दिस आर नॉट ए डिस्प्ले एड, दिस आर दी सर्च एड। सर्च एड को सिंपल से पहचाने का क्या रहता है कि इसमें टाइटल होता है 30-30 कैरेक्टर्स के, इसमें डिस्क्रिप्शन होता है 90 कैरेक्टर का एंड अ यूआरएल होता है। तो दिस इज अ सर्च एड विच इज प्लेस्ड इन दी यूट्यूब। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट पे भी हम जाते हैं, वहां पे भी इस तरह के सर्च एड डिस्प्ले होते रहते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट और यूआरएल और डिस्क्रिप्शन होता है। बट डिस्प्ले एड कैसा होता है कि डिस्प्ले एड्स में इस तरह के बैनर लगे होते हैं, जैसे हम वेबसाइट पे भी बैनर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे बैनर्स है, यहाँ पे बैनर है, यहाँ पे एक छोटा सा बैनर है। तो ये गूगल एडसेंस लेने के बाद आता है। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्ले एड्स। सो हमने अभी जाना कि गूगल डिस्प्ले एड क्या होता है और वो कैसे दिखता है अलग अलग गूगल साइट्स पे, गूगल पार्टनर साइट्स पे। अब गूगल एड्स, गूगल डिस्प्ले एड कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं, न्यू कैंपेन पे क्लिक करके हम क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एड का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे तीन प्रकार का डिस्प्ले एड दिख रहा है। ये तीन प्रकार के डिस्प्ले एड होते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब में चले जाइए तो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 6 प्रकार के या 7 प्रकार के वीडियो एड्स होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के गूगल डिस्प्ले एड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्मार्ट डिस्प्ले एड, दूसरा है स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड, तीसरा है जीमेल कैंपेन, जीमेल डिस्प्ले एड। तो अभी स्मार्ट डिस्प्ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मार्ट डिस्प्ले एड एंड द स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड और कैंपेन डिस्प्ले एड क्या होता है, जीमेल डिस्प्ले एड क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि अगर जैसे यू आर ए बिगनर तो एक स्मार्ट डिस्प्ले एड एक ऐसा रेडीमेड प्लेटफॉर्म है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई होती है, नेटवर्क ऑडियंस सेलेक्ट होते हैं, आपको कुछ चीजें डालनी रहती है और आपका एड तैयार। और अगर आप मैन्युअली सारा ऐड तैयार करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऐड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जीमेल डिस्प्ले ऐड क्या होता है कि बहुत बार आप देखे होंगे कि जब आप जीमेल में जाते हैं, जैसे मैं मेरे एक जीमेल अकाउंट में जा रहा हूँ, मैं आपको जीमेल का एक लाइव बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि जीमेल डिस्प्ले ऐड होता क्या है। यहाँ पे मैं एक रुकिए, मैं यहाँ से मेरा एक ईमेल आईडी पे गया और यहाँ पे जाने के बाद देखिए प्रमोशंस लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने प्रमोशन लिखा या सोशल लिखा हुआ है, यहाँ पे कभी कभी गूगल के एड्स आते हैं। यहाँ पे शुरुआत में इस समय एड्स नहीं आए, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पे एड्स आते हैं। इनको मैं यहाँ पे अभी नहीं आ रहे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जीमेल डिस्प्ले एड्स एग्जाम्पल करके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और मैं यहाँ से इमेजेस में जाता हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए, ये काफी धुंधला दिख रहा है, मैं दूसरा क्लिक करता हूं। तो इस तरह का एड जीमेल के अंदर हमें एड आता है, यहाँ पे एडी लिखता है, जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हमें एक ऑफर, प्रमोशन, सारी चीजें आती है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ
जीमेल डिस्प्ले ऐड, ये देखिए इस तरह से नॉर्मली ये प्रमोशंस के अंदर ही होता है, प्राइमरी के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये दो गूगल के डिस्प्ले ऐड यहाँ पे जीमेल के अंदर आए हुए हैं। तो दिस इज अ जीमेल डिस्प्ले ऐड। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द डिस्प्ले ऐड एंड द टाइप्स ऑफ डिस्प्ले ऐड। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे और उसके बाद अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल में ये सारी चीजें, अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्मार्ट और स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऐड को कवर कर लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें दोनों में सेम है। और उसके अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम जीमेल का डिस्प्ले ऐड बनाएंगे।